अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोकिया 105 जिसका मॉडल TA1034 है, 1034, इसका माइक का पॉइंट टूट गया। तो ये दो पॉइंट होते हैं माइक के ऊपर, रेजिस्टेंस जो लगी हुई है, कैपेसिटर आप समझ लें। तो सेंटर वाला इसका पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, जो कि माइक के साथ टूटा हुआ हमें मिला है। तो इसको हम जम्पर करके आपको चला के दिखाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को आप पहली दफ़ा देख रहे हैं फेसबुक से तो फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लें। तो सबसे पहले हम दोनों इन कैपेसिटर रेजिस्टेंस को, कैपेसिटर ही है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको जल्दी से सोल्डिंग कर लेते हैं। रेजिस्टेंस दोस्तों करंट पास करती है, रेजिस्टेंस ये कॉइल भी हो सकती है। तो खैर, आप छोड़ें इसको, ये दोनों पॉइंट हैं आपके प्लस माइनस। तो आपने इसको, माइक को भी पहले से सोल्ड कर लेना है जल्दी से। अब यहाँ पे हमने प्लस वाला जो पॉइंट है वो राइट साइड वाले रेजिस्टेंस पे लगाना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस पॉइंट हमारा लग चुका है, बेहतरीन तरीके से लग गया है। आपने भी ऐसे ही लगाना है दोस्तों, शार्ट नहीं होना चाहिए। अगर शार्ट हो गया तो फिर माइक नहीं काम करेगा। तो माइनस इसका लग नहीं रहा, इस तरह करके लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इसका माइनस पॉइंट भी अच्छे से लगाया। अभी थोड़ा सा और रह गया, मैं अच्छे से सोल्डिंग कर लेता हूँ इसकी। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं, प्लस माइनस दोनों हमने माइक के जम्पर कर दिए हैं। आप भी इस तरीका की मदद से अपने माइक को चला सकते हैं। तो अब दोस्तों इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो अगर दोस्तों माइक इस तरह आपका चल जाता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और दोस्तों, नेक्स्ट पे आपको चेक करवाते हैं कि मोबाइल का माइक लग गया है या नहीं, आगे वीडियो में देखें। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं कहाँ इंदा।